के मराठी पत्रकार संघ में कलाकार इंस्टीट्यूट ऑफ डांस इंडिया की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। 1985 में प्रोफेसर अरुण चांदीवाले द्वारा इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य था युवाओं में उनकी कला को उजागर करना। इस वर्ष 4 जुलाई से 14 जुलाई 2018 तक कलाकारों को विभिन्न 13 अंतर्राष्ट्रीय ग्रुपों द्वारा पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य में सहभाग के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें स्लोवेनिया, बेलारूस, तुर्की, यूक्रेन, लिथुआनिया, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड जैसे देश शामिल थे। इस बीच कलाकार इंस्टीट्यूट ऑफ डांस इंडिया के प्रेसिडेंट तेज चांदीवाल जी का कहना था कि मेरा नाम तेज चांदीवाले है और मैं प्रोफेसर अरुण चांदीवाले का सन हूँ और हम लोग का इंस्टीट्यूशन कलाकार इंस्टीट्यूशन ऑफ डांस 1985 से इंडिया में इंडिया की ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को साबित कर रहा है। इस साल हम लोग पोलैंड गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और हम लोग वहाँ पे 6-6 दिन थे वहाँ पे, और अगले साल हम लोग इटली के लिए इन्वाइट किए गए हैं और इंडिया से हम लोग 18 जन गए थे फ्रॉम द एज ऑफ 7 टिल द एज ऑफ 55। तो हम लोग ने वहाँ पे घूमर डांस किया, हम लोग ने वहाँ पे भांगड़ा किया, हम लोग ने वहाँ पे लावणी किया, हम लोग ने जोगवा किया और बहुत सारे अलग अलग इंडिया के डांसेज वहाँ पे प्रेजेंट किए। उसके अलावा इंडिया के साथ वहाँ पे दूसरी 13 कंट्रीज़ को बुलाया गया था और इंडिया में से हमारा ग्रुप चूज़ किया गया था वहाँ के मेयर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने। इसी दौरान कोरियोग्राफर नम्रता सावंत जी का कहना था कि प्रदेश कला केंद्र गए 5 साल से प्रदेश कला केंद्र और कलाकार इंस्टीट्यूट हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कलाकार इंस्टीट्यूट में हमेशा हर साल बच्चों को लेके मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उनको एक चांस दिया है, एक नया स्टेज अपॉर्चुनिटी दी है और ये बहुत अच्छा काम है कि हम लोग जिनको डांस नहीं जम रहा है या कुछ नहीं हो रहा है तो उनको तेज चंदीवाल जो है वो उनको ट्रेन करते, पूरा ट्रेडिशनल जो है पूरा ट्रेन करके हम लोग पोलैंड या रशिया ऐसे अनेक देशों में लेके जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि आजकल इंडिया में बहुत कम दिखाई दे रहा है कि फोक डांसेस के लिए जो लोग हैं बहुत पीछे आ रहे हैं और वेस्टर्न डांस को अपना रहे, तो हम लोग कलाकार और नृत्य देश कला केंद्र यही चाहते हैं कि हम लोग भी अपने इंडिया कल्चर को अपनाएं और उसको आगे लेके जाएं। सुचिता कामले, SNTV न्यूज़, मुंबई।